मैं हूं निशान भाई और आपके साथ मैं एक नया विषय लेके आया हूं। जैसा कि मैं जब भी चैनल के स्क्रीन पर आता हूं तो एक नए विषय को लेकर आपके साथ आता हूं। इस बार मैं विषय लेके आया हूं ईडी का। क्या कहा पटेल को ईडी ने? क्या पटेल को क्लीन चिट दे दी है? सवाल जहन में है, उठना बहुत ही लाजमी है। लेकिन एयर इंडिया के बर्बादी के गुनहगार केवल और केवल पूर्व मंत्री प्रफुल्ल पटेल ही है। जब तक एयर इंडिया को सरकारी हस्तक्षेप से पूरी तरह से मुक्त नहीं किया जाता और उसे चलाने वालों को फैसले लेने के लिए आजादी नहीं दी जाती, तब तक यह जो स्थिति एयर इंडिया की बनी हुई है वह इसी प्रकार बनी हुई रहेगी। प्राइवेट कारपोरेशन की तरह काम करना होगा एयर इंडिया को। सबसे पहले तो एक तेज तर्रार सीओ की जरूरत है एयर इंडिया को, जो सारी जिम्मेदारी अपने सिर पर ले और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिपोर्ट करे। वह सरकार के प्रति नहीं बल्कि वह उस बोर्ड के प्रति उत्तरदायी हो। इस बोर्ड में रतन टाटा जैसे बहुत ही मंजे हुए, जो कि जिम्मेदार और बिजनेस को चलाने का लंबा तजुर्बा रखते हो, ऐसे लोग इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हो और उसमें यह सारे फैसले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ले और सीओ उन्हें अमली जामा पहनाए। एयर इंडिया में फिलहाल अभी क्या हो रहा है यह हम आपको बता देते हैं। अभी फिलहाल यह हो रहा है कि बाहर का आईएएस अफसर, जो कि एयर इंडिया के दफ्तर में उसे नियुक्त किया जाता है, लेकिन वह जब तक के पूरा अपना जॉब और अपनी जिम्मेदारियां सीख पाता है और वो सीखते ही दौरान उसका तबादला यानी ट्रांसफर हो जाता है। यह तो तय है कि सरकार को एयर इंडिया पर अपनी पकड़ थोड़ी ढीली करनी होगी। यह मेरा आर्टिकल 6 दिसंबर 2012 के महाराष्ट्र प्रहरी अखबार में प्रकाशित किया गया था। इस कवर स्टोरी में हमने पूर्व उड्डयन मंत्री प्रफुल्ल पटेल को एयर इंडिया के फायदे पहुंचाने के लिए मारुति का भी एक उदाहरण दिया था, लेकिन वह इसको दरकिनारा कर गए। जिस प्रकार एयरलाइंस में सिंगापुर एयरलाइंस का जो एक उदाहरण है वह भी काफी दिलचस्प है। इस एयरलाइन की माली हालत इतनी बुरी तरीके से बर्बाद हो गई थी कि इसे चलाना काफी मुश्किल था, लेकिन सारी चीजों को बदला गया और एयरलाइंस को मंदी से उभारने के लिए इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और सीओ की नियुक्ति की गई, जिसमें एयरलाइंस काफी बड़े फैसले किया कर रही थी। एयर इंडिया को ब्रिटिश एयरलाइंस से भी सबक लेना चाहिए, जिन्होंने समय रहते ही बदलाव किए। वह सरकारी नियंत्रण के तहत दिवालिया होने की कगार पर आ गई थी, उसका निजीकरण किया गया, फिर उसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से चलाकर मुनाफे में तब्दील किया गया। ईडी ने जब जांच की तो तलवार के कहे अनुसार प्रफुल्ल पटेल की जांच हुई, जिसमें वो पूर्व उड्डयन मंत्री हुआ करते थे। जैसा कि कंपनी के कई जो कंपनियां हैं, एयरलाइंस की जो कंपनियां हैं, उनके सीईओ और उनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर्स होते हैं, उनके साथ प्रफुल्ल पटेल के काफी मधुर संबंध है। ऐसा ईडी की जांच में जो तलवार ने बयान दिया, उस आधार पर प्रफुल्ल पटेल को ईडी ने अपने मुख्यालय में बुलाकर उनसे जांच पड़ताल की। लेकिन इसमें एक ईडी उदाहरण छूट गया हुआ है, जो कि हमारे हाथ में, जो मेरे हाथ में अभी फिलहाल जो रिपोर्ट है, इसमें वो साफ तौर पर जो छूट गया है वो हम आपको अभी बताते हैं। इस रिपोर्ट में इस मुद्दे का जिक्र कहीं भी नहीं किया गया है। जेट एयरवेज के पूर्व निर्देशक और जेट एयरवेज के मालिक, इनके आज भी काफी अच्छे मधुर संबंध है, और जेट एयरवेज के पूर्व निर्देशक, जो कि प्रफुल्ल पटेल के खास संबंध माने जाते हैं, इस एयरलाइंस को बेहतर ढंग से पटेल ने दिवालिया घोषित करवा दिया था और फिर जेट एयरवेज को प्रधानता हासिल कराने के लिए रास्ता तैयार किया। फिर भारत सरकार के पास से करदाताओं के पैसों में से 5,000 करोड़ रुपए बेल आउट के लिए दिए जाने चाहिए, ऐसा इन्होंने काम किया। एयरलाइंस को इन्होंने बर्बाद कर दिया। उसी एयरलाइंस को बड़ी चालाकी से चालू रखने के लिए जो जेट एयरवेज है उसके पूर्व निर्देशक को श्रीमान पटेल ने नागर मंत्री के तौर पर मई 2004 में शपथ ली थी। उस समय इंडियन एयरलाइंस लगभग 11 नवंबर 2008 को नेसियल यानी एनसीआईएल कंपनी,
जो कि एयर इंडिया के विलेज से बनाई गई थी, जिसमें लगभग 5549.26 करोड़ का नुकसान घोषित किया था। श्रीमान पटेल ने 12 नवंबर 2008 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें संवाददाता और कई संपादकों को उन्होंने बताया कि एयरलाइंस को लागत मूल्य में कटौती करनी होगी और आय प्राप्ति में बढ़ोतरी करनी होगी, यानी कि इजाफा करना, 20 अरब रुपए की उगाही उन्हें करनी होगी, ऐसा श्रीमान प्रफुल्ल पटेल ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था। उसी दौरान प्रफुल्ल पटेल ने जब उस एयरलाइंस में 500 करोड़ रुपए का इक्विटी एयरलाइंस में डालने का अनुरोध भारत सरकार से किया, तब नवनिर्मित नेशियल के अग्रह जो कि डायरेक्टर थे, उन्होंने इस निर्णय को बेबुनियाद और बेतुका बताया। इंडियन एयरलाइंस के बेल अकाउंट और विलय को इंडियन एयरलाइंस के साथ करने, एयर इंडिया के बेल आउट और विलय की इंडियन एयरलाइंस के साथ एक दौर था जब प्रफुल्ल पटेल साहब ने 24 विमानों का जो बेड़ा था एयर इंडिया का, उसे अधिग्रहण कराने का, यानी अपने बेड़ों में शामिल कराने के लिए 24 विमानों का अधिग्रहण का एक पॉलिसी, एक स्ट्रेटजी बनाई गई थी एयर इंडिया में, लेकिन उसे इन्होंने बदल कर उन 70 विमानों को बेड़े में शामिल करने के लिए एक नई गाइडलाइन तैयार की थी, जिसमें मूल बेड़े में लगभग 24 विमान 5 वर्षों के लिए अधिग्रहित किए जाते थे और उसी में लगभग 24 सप्ताह में ही यह उन 70 विमानों को उन्होंने अधिग्रहित करने का नया एयर इंडिया के ऊपर प्रेशर डाल दिया। एयर इंडिया में केवल पहले एयरबस विमानों को ही शामिल किया जाता था, लेकिन प्रफुल्ल पटेल साहब ने उन्हें बदल कर बोइंग कर दिया था। यही नहीं बल्कि जो विमान B-797 जो कि अभी फिलहाल ड्राइंग बोर्ड पर ही, यानी उसका केवल स्केच बना हुआ ही था, ऐसे भी विमान को इन्होंने एयर इंडिया में शामिल कराने का एक नया प्रस्ताव भारत सरकार की तरफ भेज दिया। एयर इंडिया का सालाना जो कारोबार है वो केवल 7000 करोड़ रुपए है और एयर इंडिया एक ऐसा जो विमान जो खरीद रही थी जिसकी 35 करोड़ रुपए कीमत थी, एयर इंडिया को लगभग सालाना 6000 करोड़ रुपए ब्याज और ऋण के तौर पर चुकाने पड़ते थे, यानी कि आमदनी केवल 7000 करोड़ रुपए है और 6000 करोड़ रुपए उन्हें अपनी आमदनी में से खर्च करने पड़ते हैं। ऐसी परिस्थितियों में भी प्रफुल्ल पटेल ने अपने नागरी विमान मंत्रालय का कार्यकाल संभालते समय B-797 जो विमान जो केवल ड्राइंग बोर्ड पर था उसे भी इस बेड़े में शामिल किया। एयरलाइंस उन दिनों लगभग 1500 करोड़ रुपए के वर्किंग कैपिटल के सिफेस्ट की चपेट में थी। ऐसे कई जो सवाल है वो पटेल के ऊपर सवालिया निशान उठाते हैं, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में भी एयर इंडिया अपने आप को संभाल सकती थी। अगर पटेल ने उसे बर्बादी की ओर नहीं ले गया होता तो शायद आज एयर इंडिया काफी मुनाफे में और काफी बेहतरीन तरीके से चलने वाली कंपनी हुआ करती थी, लेकिन पटेल ने ऐसा किया नहीं। ऐसे अनगिनत सवाल है हमारे प्रफुल्ल पटेल से, जानेंगे अगले एपिसोड में क्या कहा ईडी ने पटेल को। फिलहाल बने रहिए MNS न्यूज के साथ।